नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSAT मुख्य एग्जाम जो 25 सितंबर को जो आयोजित होने वाला था, फ्रेंड्स कुछ कारण की वजह से फ्रेंड्स उस डेट को एक्सटेंड किया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड के अनुसार हमने इस सेशन को जारी रखा। फ्रेंड्स अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यानी फ्रेंड्स एक्सटेंड हुआ तो मीन्स आप 10 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलिए। फ्रेंड्स एग्जाम आपका अक्टूबर माह के अंदर 9 तारीख को आयोजित होने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहेगा इस चैनल के साथ में अंतिम समय तक, निश्चित फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारे चैनल जो भी है संध्या कंप्यूटर क्लासेस के ऊपर आप जाइए, विजिट करिए और जो भी चैनल के माध्यम से जो ली गई महामैराथन क्लासेज वगैरह है उन क्लासेज को भी अवश्य देखने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके समक्ष जो ये एड्रेस दे रखा है फ्रेंड्स क्लिक कीजिए और आज ही फ्रेंड्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को फ्रेंड्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में सुने। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट हम ध्यान देंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी का आंसर आपके कमेंट के द्वारा मैं देखना चाहता हूँ, मीन्स सभी का आंसर फ्रेंड्स डायरेक्टली फ्रेंड्स क्वेश्चन पूरा होते ही आना चाहिए। मैं फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट का फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे एक हौसला अफजाई भी करूंगा और फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे उनका मैं आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर उपकरण है जिसका उपयोग तेजी से गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? जॉयस्टिक, टच सरफेस, टच स्क्रीन या ट्रैक बॉल? तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। बिल्कुल फ्रेंड्स जॉयस्टिक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से चिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? यानी आपको याद रखना ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से चिड़क कर डेटा या बिंबों का प्रिंट करता है? यानी छोटे छोटे बिंदु या फिर आप कह सकते हैं स्याही की जब बात होती है ऐसी स्थिति में आप इंक जेट प्रिंटर को करके आएंगे। कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? इंक जेट। जब मेरे फ्रेंड्स टोनर की बात होती है, कभी भी थोड़ा ध्यान देना, टोनर की बात होती है या सूखे पाउडर की बात होती है तो ऐसी स्थिति में आप किसको करके आएंगे? लेजर प्रिंटर को। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो भी होता है इम्पैक्ट का उदाहरण होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंक जेट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन, खाली जगह यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करता है और प्रोग्राम्स को चलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने मॉड्यूल पेपर में पहले भी इसको डाला है। तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराना, बाकी संसाधन जो भी होते हैं उनको नियंत्रण करना, प्रोग्राम चलाना, ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम OS इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो साधारण प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, GUI, ड्राइवर्स, विंडोज, एंटी आइकन्स। तो ये मैंने कल परसों भी क्वेश्चन डाला था, खाली जगह जो ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करता है, आप ऐसी स्थिति में किसको करके आएंगे? मेरे फ्रेंड्स आइकन्स को करके आएंगे। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह फ्रेंड्स ये कार्य करता है, आपको फोल्डर की तरह ये कार्य करने के लिए फ्रेंड्स आपके सामने उपस्थित होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ आइकन्स इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज में किसी फाइल अथवा फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए शिफ्ट डिलीट, ऑप्शन बी अल्ट डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल डिलीट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, अभी फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन काफ़ी सारे ऐसे दिखेंगे आपको जो रिपीट हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप रिपीट में जानबूझ के कर रहा हो क्योंकि वो क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन कमेंट करके ऐसा भी बोलते हैं कि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन तो बार बार वो के वो ही आ रहे हैं। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन वो के वो नहीं हो सकते हैं, और हाँ फ्रेंड्स कुछ एक मॉडल पेपर में ऐसा हो सकता है जो एक दो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट देखने को मिले, मीन्स वो आप कह सकते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए मिटाने के लिए शिफ्ट के साथ में डिलीट, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा फ्रेंड्स क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी डालते हैं वो डेटा कहलाएगा। डेटा को परिवर्तित करने के बाद में वो फ्रेंड्स किसमें बदल जाता है, इन्फॉर्मेशन के अंदर। यानी डेटा फ्रेंड्स जो प्रोसेसिंग होता है, इन्फॉर्मेशन सूचना में बदल जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन में बदलता है, किसमें परिवर्तित करता है, इन्फॉर्मेशन में। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेटवर्क की विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क का कहते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क की विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क का कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेटवर्क फ्रेंड्स जो अलग अलग जो तारों से फ्रेंड्स कनेक्टिविटी होती है, ये फ्रेंड्स इसके बारे में बात हो रही है। यानी इस तरह से जो ये अलग अलग जो टाइप्स होता है, इस तरह से भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ये टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ टोपोलॉजी। ये वायर के फ्रेंड्स कनेक्शन के प्रकार होता है। कोई रिंग टोपोलॉजी होती है जो राउंड में होती है, कोई स्टार टोपोलॉजी होती है, कोई बस टोपोलॉजी होती है। यानी तार को जो फ्रेंड्स कनेक्ट करने वाले अलग अलग जो तरीके कह सकते हैं, जिसको टोपोलॉजी हम अलग से यहाँ पे कहेंगे। यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, बट आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की, और व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला था, आपको याद रखना, व्यक्तिगत तौर पे जब बात होती है तो आप किसको करके आएंगे, ऑप्शन जो डी सी पे लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर को करके आएंगे। यानी व्यक्तिगत तौर पे जो हम अपने घर में या ऐसे ऑफिसों में वगैरह यूज करते हैं, वो फ्रेंड्स कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये सुपर कंप्यूटर होता है, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है कह सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर में वगैरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिश्रण से कार्य करता है। यानी मैंने आपको पहले यूनिट के अंदर बताया था कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एक प्रकार है जो आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर बात की जाती है, तो सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो को करेंगे। जबकि अगर ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप्स पूछे जाए तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों का जो मिश्रण वाला जो कंप्यूटर होता है, उसको कौन सा कंप्यूटर बोलेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। जो स्लाइड होती है, जैसे ये स्लाइड चेंज हो जाएगी, दूसरी स्लाइड आ जाएगी, तो ये प्रक्रिया, स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन या कस्टम ट्रांजिशन। तो ऐसी स्थिति में आप किसको करके आएंगे, स्लाइड ट्रांजिशन को करके आएंगे। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, URL का तात्पर्य है। मेरे फ्रेंड्स, URL से क्या समझते हो आप, URL का तात्पर्य बताने की कोशिश कीजिए। URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं और नागरिकों तक किस माध्यम से पहुँचाया जाता है। सरकारी सेवाएं और नागरिकों तक हम किस माध्यम से पहुंच सकते हैं, ई गवर्नेंस, G2B, G2C या ई कॉमर्स। तो ये शॉपिंग वेबसाइट होती है, ये नहीं होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है। लेकिन नागरिकों तक पहुंचने के लिए जो एक कह सकते हैं G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो किसके अंदर आ जाएगा, ई गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ ई गवर्नेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने है, EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम बताइए। पहली बात आपको याद रखना, EPDS का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके संदर्भ में जो APL का पूरा नाम होता है, अबो पॉवर्टी लाइन, तो BPL का क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। फ्रेंड्स कल भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, मैं बोल रहा हूँ कुछ ही क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको पूरे को पूरे सही क्वेश्चन आते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी तो तैयारी पूरी हो गई है, तो फ्रेंड्स आप पहले ड्रॉप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन आपको याद रखना मैं क्वेश्चन वो जरूर रिपीट करूंगा जो आपकी बार आने की पूरी संभावना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो फ्रेंड्स कि आप 4-5 क्वेश्चन कल डाले थे वो आज वापस रिपीट हो गए थे, ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं बोलेंगे भाई ये क्वेश्चन वो के वो आ रहे, मतलब क्वेश्चन वो के वो आना मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण होने की वजह से ही वो क्वेश्चन हम बार बार डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स टाइम्स न्यू रोमन का क्या तात्पर्य है, तो टाइम्स न्यू रोमन क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट, तो आपको याद रखना है टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी, इसके अलावा जिसकी सेंचुरी होता है, एरियल होता है, अल्जेरियन होता है, ये जो भी आपको नाम कहीं पर दिखते हैं तो आप क्या करके आएंगे, ये फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार हो जाएगा, फॉन्ट का प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जब फ्रेंड्स एक दस्तावेज होता है आप यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आप कौन सी की दबाएंगे ताकि दस्तावेज में नया पेज आ जाएगा, ऐसे स्थिति में आप किस बटन को दबाते हो, एंटर बटन को दबाते हो, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए एंटर बटन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, डीएसएल का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स डीएसएल की जब भी बात होती है तो आपको याद रखना है डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम, देखिए फ्रेंड्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा, किसका पूरा नाम, DSL का। ये DSL एक किसका प्रकार होता है, तो आप बोलेंगे केबल का नाम है, जो फ्रेंड्स जो कच्चे डेटा होता है उसको मॉडेम तक लेके आने का कार्य यही केबल करती है, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर भी DSL को रखा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में कह सकते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई दफा आपको पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन का तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो आप फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश करें। वक्तव्य, वक्तव्य वाला आता है, वक्तव्य ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है, क्या ये राइट है क्या, यानी वक्तव्य एक पे लिखा हुआ है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है, ये कथन सही है या गलत है, तो आप बोलेंगे ये कथन क्या है, गलत, क्योंकि ईमेल के अंदर जो डिलीट की गई फाइल होती है वो ट्रैश फोल्डर के अंदर रखी जाती है, कहाँ पे, ट्रैश फोल्डर के अंदर रखी जाती है, इसका राइट आंसर ट्रैश होता तो ये कथन क्या हो जाता, सही हो जाता, ये ट्रैश के अंदर रखी जाती है। ऑप्शन जो बी पे कथन लिखा हुआ है कि ईमेल में आधे अधूरे जो ईमेल होते हैं, आधे अधूरे ईमेल स्पैम में रखे जाते हैं, स्पैम में रखे जाते हैं क्या, स्पैम में तो अनसाइन ईमेल होता है, ये आधे अधूरे ईमेल कहाँ पे रहते हैं, ये तो डॉक्यूमेंट में रहते हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों के दोनों कथन क्या है, असत्य है, यानी एक और दो दोनों कथन क्या है, गलत कह सकते हैं, ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट के अंदर नहीं आती है, तो फ्लिपकार्ट के शॉपिंग कह सकते हैं, स्नैपडील भी होता है, जबोंग भी होता है, लेकिन ट्विटर तो आप बोलेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये फ्रेंड्स किसकी साइट है, ये तो आप बोलेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इस तरह से आपको याद रखना है सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है, इनमें से ऐसा कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है, इसे मिनी एटीएम के रूप में काम करता है, डेबिट कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोस, इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, POS हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, AEPS का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स ये भी पेमेंट भुगतान प्रणाली के अंदर आता है, AEPS का पूरा नाम बताने की कोशिश करें, AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, किसका पूरा नाम, AEPS का पूरा नाम क्या होता है, आप बोलेंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है, अभी भी मैंने बोला था भाई ईमेल के अंदर जो फाइल हम डिलीट कर लेते हैं, ईमेल को डिलीट करते हैं, तो डिलीट की गई फाइलों को कहाँ पे रखा जाता है,
देखिए फ्रेंड्स, अगर कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलों को बोलेंगे तो वह तो रिसाइकल भी हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बात हो रही है डिलीट की गई फाइलों को, डिलीट की गई मेल जो होती है ईमेल के अंदर की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में किसको करेंगे? ट्रेस। ये जो ट्रेस फोल्डर होता है ये क्या करता है कि जो हम डिलीट करते हैं फाइल को ईमेल से, वो ईमेल कहाँ पे रहती है? स्टोर अस्थायी रूप से ट्रेस फोल्डर के अंदर रहती है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है कौन से? आपको कई दफा बोला गया, ये क्वेश्चन सभी का राइट होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसका मैंने तुरंत बता दिया, आप सभी स्टूडेंट कमेंट करें, अच्छी बात है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? हम पैन कार्ड आवेदन करने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं? ये तो होती है आधार की वेबसाइट, ये तो किसकी होती है? आधार कार्ड बनाने की वेबसाइट होती है ITR, ये इनकम टैक्स की होती है, ये किसकी होती है? इनकम टैक्स की होती है। तो पीछे कौन सा बसा? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, इसका पूरा नाम होता है, जो पैन कार्ड आवेदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? कीबोर्ड की कौन सी कुंजी है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में काम आती है? एस्केप कीज, एंटर कीज, विंडोज कीज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी की है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी? ये करेगी मेरे फ्रेंड्स विंडोज कीज। विंडोज कीज के द्वारा आप क्या कार्य कर सकते हैं? स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हैं। स्टार्ट बटन को खोलने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की दबाएंगे? विंडोज की को दबा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? मैंने कई दफा आपको बोला हुआ क्वेश्चन, कम से कम 15 बार ये क्वेश्चन डाला होगा अभी तक, तो आपको याद रखना 10-15 बार इस क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लास के अंदर भी समझाया हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट में निश्चित स्थान पर पहुंचने की बात होती है, किसको करके आएंगे? बुकमार्क को। किसको करके आएंगे? बुकमार्क को। हाइपरलिंक, ये डॉक्यूमेंट में दस्तावेज को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। मेल मर्ज, एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को मेल भेजने की अनुमति देता है। जबकि मैक्रो क्या कार्य करता है? मैक्रो से एक शॉर्टकट निर्माण होता है, यानी अपने कार्यों को रिकॉर्ड करके उसी को शॉर्टकट तरीके से करने की सुविधा कौन देता है? मैक्रो देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुकमार्क। आगे वाला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार ईमेल अकाउंट का उपयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में आप ईमेल डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने कई दफा ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो ऐसा कौन सा ईमेल आउटलुक अकाउंट प्रकार होता है जो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जाता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो POP3 होता है, ये क्या होता है? इंटरनेट पे ईमेल जो होती है उसमें डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जा सकता है। IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो व्यापार सेटिंग में काम आता है। और HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को याद रखें। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 27, ये प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? तो आप बोलेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल होता है। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल होता है। मतलब यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी राइट होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ये प्रोटोकॉल के प्रकार होते हैं। यहाँ पे तीनों के अंदर P का मतलब क्या होगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पेपर पर बनी लाइनों के बीच खाली स्पेस एवं विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये इस तरह की बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स, इस तरह से बात हो रही है, ये जो फ्रेंड्स इसकी बात हो रही है, ये फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है आपको याद रखना है भाई, ये जो बात हो रही है ये बार कोड की हो रही है। किसकी हो रही है? बार कोड की बात हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BCR हो जाएगा। इन बार कोड को पढ़ने वाला जो मशीन होता है वो कौन सा होता है? BCR। BCR का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। और MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटा के लिखने में काम में ले सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे R का मतलब ओनली फॉर लिखा हुआ, वहाँ पे R का मतलब केवल रिकॉर्डेबल होगा। ये भी R है, DVD R, CD R ये भी R है, और DVD R ये भी है।
आरडब्ल्यू का मतलब होगा रीराइटेबल, यानी पुनः बना सकता है। तो यहाँ पे इसी तो बात हो रही है कि एक बार मिटा के कई बार लिखने में काम में ली जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में सी डी आर डब्ल्यू और डी वी डी आर डब्ल्यू जो ऑप्शन सी है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान देंगे, ट्राई करेंगे आंसर देने की। विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबिन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर्स को सीपे और दृश्यमान बना सकते हैं, यानी जो सीपे हुए फ्रेंड्स फाइल और फोल्डर्स को दृश्यमान बनाना चाहते हैं, दृश्यमान बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, आप व्यू का उपयोग करेंगे। व्यू का मतलब ही क्या होता है, देखना। क्या होता है व्यू का मतलब, देखना। तो यहाँ पे भी उपयोग वो का वही होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ व्यू, व्यू से आप ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज एडिट करने पर क्या घटित होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप पूरे सेशन के साथ में जुड़ रहे हैं, तो आप लाइक अवश्य करें इस वीडियो को। लाइक को एक बार करना ही है आपको, जितना फ्रेंड्स आपकी ओर से प्यार मिलेगा उतना ही फ्रेंड्स हम आपके लिए और भी दोगुनी मेहनत के सामने आपके समक्ष अच्छे क्वेश्चन पेश करने की कोशिश करेंगे। यानी जो स्टूडेंट देख रहे हैं कम से कम उतने तो लाइक आप करने ही होते हैं फ्रेंड्स। आप स्टूडेंट के व्यू के अकॉर्डिंग आप देखें तो आप सभी स्टूडेंट से एक आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स और भी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा वीडियो को, तो और भी फ्रेंड्स हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को इसकी काफ़ी आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एग्जाम में काफ़ी ही बेनिफिट होगा इससे। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज एडिट करने पर क्या घटित होता है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, यही इसकी बात होती है, बाकी सब छोड़ दो। ये मैंने कल परसों भी क्वेश्चन डाला था, आप याद रखना कि पावर पॉइंट में किसी तस्वीर को एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद में क्या घटित होता है, तो आप बोलेंगे स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। एक पॉइंट याद रख लेना, होती है ऐसा करके नहीं आएंगे, जो पहले से फाइल है वो इंसर्ट करने पे चेंज नहीं होती है। आगे वाला क्वेश्चन, किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट ये इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल भी इस क्वेश्चन को डाला था, मुझे अच्छे से याद है, कल या परसों मैंने डाला था इस क्वेश्चन को। आप सभी स्टूडेंट याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पिक्चर्स डालना, चार्ट डालना, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, ये जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ, टेबल्स वगैरह, ये सब कहाँ पे होती है इंसर्ट के अंदर, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे इंसर्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सॉरी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इंसर्ट, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, यानी क्वेश्चन देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, हालांकि बुक्स के अंदर से लिया गया, अगर आपने आरएसएटी बुक्स को नहीं पढ़ा है तो आप अभी से याद रख लेना इसको कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है। तो आप हमेशा 27,000 करके मत आना, 27,000 एक भी, 27,000 दो तीन, 2700 भी नहीं होगा, यहाँ पे 27,000 एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है 27,001 आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी 27,001 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना, मैंने अच्छे से बताया था क्लास के अंदर, आईटी एक्ट कौन सा हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, आईटी एक्ट कौन सा हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन नीचे वाला है ये तीनों क्या है, गलत है। यानी आईटी एक्ट 2000 के तहत, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी अपराध के लिए एक कानून बनाया गया है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है। जल्दी कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, सेक्शन कौन सा हो जाएगा, 65, यानी 65 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट है जिनका एग्जाम होने वाला था 25 सितंबर को, वो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द न्यू डेट आ जाएगी, मीन्स अक्टूबर माह के अंदर, आप कह सकते हैं या तो 2 अक्टूबर को होगा या फिर आप कह सकते हैं 9 अक्टूबर को होगा।
तो फ्रेंड्स आज से फ्रेंड्स आप ये देख के चलिए कि अभी से आप अगर जुड़ जाएंगे तो महीने भर में आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आप आरएसएट एग्जाम की छोड़ो, आप किसी भी प्रकार का कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे जहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट प्रदान होगा। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे मोस्ट 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसी तरह से संध्या कंप्यूटर के साथ हमेशा बने रहेगा, मिलेंगे कल एक अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।